जेके अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष शाह मोहम्मद तांत्रे के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों से गणमान्य लोग पार्टी में शामिल हुए। अमरजीत सिंह पहुंच की रिपोर्ट। रब की बड़ी मेहरबानी है, जो बहुत ही मेहरबानी है, नहायत ही रहम करने वाला है और हमारे कारों कवाली वर्ष की है। आज हम तकरीबन 5 जैनिक्स कर चुके हैं, लेकिन 4 को हमने सिले राज में रखा है और ये हमारे शेर जो है इनको हमने सामने लाया कि हम काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि गरीबों की कार्रवाई इस कदर दहशत हो गई है, लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये जो आम लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि वो घर इतना भर चुका है वोटे लोगों से, ठेकेदारों से, कि अब अगर कोई आम आदमी जाएगी तो उसी दरवाजे में भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए महल कोई किसी घर का कितना बड़ा हो, 10 मंजिला हो, घर अपना ही अच्छा होता है। ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट और हमारा होम गरीबों का कारवा है। और जिस तरह से लोग धड़े धड़े इसमें शामिल हो रहे हैं, उस पर अवामी पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से 4 सितंबर को जब हमने फॉर्म भरना था तो उस वक्त हमने कोई एक भी जैकेट को नहीं लिखा, सिर्फ एक अपील की कि अगर मैं 4 को फॉर्म भरने जा रहा हूँ और उसमें मेरे हौसला अफजाई के लिए आप भी तशरीफ लाएँ। तो आपने देखा कि अवामी पुलिस ने किस तरह महदूद अंदाज पेश किया और मैं फिर अवामी पुलिस से कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल खौफजदा ना हों इन ठेकेदारों से। ये बेचारे डरे हुए हैं इस वक्त गरीबों के कारवां से, रात दिन लगे हुए हैं, सिर्फ मोटे मोटे लोगों को तलाश कर रहे हैं और मोटे लोगों से अपने घर को भर रहे हैं। लेकिन इस बार अवामी पुलिस उनको बता देगी कि आवाम जब खड़ी हो जाती है फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तूफान में बंद भी बांधे जा सकते हैं, गरीबों के कारों में शान के साथ कामयाबी दर्ज करेगा और इस हम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां से हमने पुरखलूस और बेलोस खिदमत का आगाज़ किया था। दूर दराज कटे बुटे इलाके जहां कोई पूछता नहीं था उनको हमने देखा, सड़कें पहुँचाई, बुनियादी सहूलियात से उनको रोशनास कराया और एक आम आदमी बनकर अपनी वे एपी कल्चर का खात्मा किया। जो पार्टनरशिप में ठेकेदारों के साथ थी उसका खात्मा किया, जो तबादलों में रिश्तें होती थी उसका खात्मा किया। तो अवामी पुलिस ने यह फैसला कर लिया है कि गरीबों के कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करेंगे। मैं आवाम से गुजारिश करूँगा डटे रहे पहाड़ की तरह, ये 10 दिन निकालें, उसके बाद हमारे पुंछ का तरक्की का एक नया सूरज तलू होगा। या बहादुर की बात होगी, या इतिहाद इतफाक की बात होगी, और यहाँ तरक्की की बात होगी। सब मैं यही कहूँगा कि लाओ बगैर सिलाओ, हमने मोहब्बत का अंदाज दिखाया, अवाम ने उसको कबूल फरमाया और अवाम ये सोचने पर इस वक्त मजबूर है कि इस कारवां की पुंछ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोहब्बतों की ज़रूरत है। आम आदमी के पास पहुँचा जाए, आम आदमी की इज्जत को अपनी इज्जत से ज़्यादा समझा जाए, जो मेरा ईमान है और जिस पर मैं वादाबंद हूँ। तो ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की पुंछ के पुंछ मंडी जो हमारी कंस्टिट्यूंसी है, इसके आवाम का, तमाम सिख बरदरी हो, हिंदू बरदरी हो, मुस्लिम बरदरी हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, जिसके लिए मैं उनको शुक्रगुजार हूँ और मैं उनसे गुजारिश करूँगा अगले 10-12 दिन चौकन्ना रहे, इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह के करम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कारवां के हक में मुरतब कर चुकी है, रकम कर चुकी है और इंशाल्लाह ताला एक तरक्की का आगाज़ फिर शुरू हो जाएगा।